डियर स्टूडेंट्स, भूगोल की पिछली कक्षा में हमने मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की शाखाएं इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्रों व उनके उप क्षेत्रों के बारे में। तो सर्वप्रथम मानव भूगोल का पहला क्षेत्र आता है सामाजिक भूगोल, अर्थात इसके अंतर्गत हम विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि व्यवहारवादी भूगोल इसका संबंध मनोविज्ञान से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक भूगोल यदि मानव भूगोल का क्षेत्र है तो व्यवहारवादी भूगोल इसका एक उपक्षेत्र है। इसके दूसरे उपक्षेत्र भी होते हैं, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, यानी ये सब उप क्षेत्र सामाजिक भूगोल के साथ अंतर संबंध बनाए हुए हैं। इसके बाद दूसरा हमारा आता है सेकंड नगरीय भूगोल, यानी इस भूगोल के अंतर्गत हम नगरों की व्यवस्था, रख रखाव, उनके रूप प्रकार इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है राजनीतिक भूगोल, यानी राजनीतिक भूगोल का मतलब इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था, सीमाओं, प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजन का अध्ययन किया जाता है और यह आगे फिर दो उपक्षेत्रों में बंट जाता है। पहला आता है निर्वाचन भूगोल और दूसरा आता है सैन्य भूगोल। निर्वाचन भूगोल का अभिप्राय जिसके अंदर हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और सैन्य भूगोल जिसमें देश की सामरिक व्यवस्था का रख रखाव सुनिश्चित किया जाता है। फिर आता है इसके बाद हमारा अगला जनसंख्या भूगोल। याद रहे जनसंख्या भूगोल एक मानव भूगोल का क्षेत्र है, जबकि इसका उपक्षेत्र भी जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। फिर आता है हमारा आवास भूगोल, यानी जिसके अंतर्गत मनुष्य के रहन सहन की व्यवस्था, उनके प्रकार, उनके आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध, इन सब का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारा आता है सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल अर्थात किसी भी मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किस देश के अंदर कितना उत्पादन होता है, कितना उसका वितरण होता है, क्या इससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके फिर आगे विभिन्न 6 प्रकार के उपक्षेत्र बनाए गए हैं। पहला आता है संसाधन भूगोल, यानी किसी भी देश के अंदर संसाधनों की उपलब्धता वहाँ की अर्थव्यवस्था को तय करती हैं। कृषि भूगोल, भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए कृषि भूगोल के महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता। उद्योग भूगोल, उद्योग प्रत्येक राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि उद्योगों के उत्पादन से ही उस देश का व्यापार जुड़ा होता है। फिर आता है हमारा विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, अर्थात इसमें एक दूसरे देशों के साथ पारस्परिक लेन देन, व्यापार, रख रखाव, मुद्रा विनिमय इत्यादि, इन सब का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत मानव भूगोल के 7 क्षेत्रों के साथ साथ उनके कई उपक्षेत्र भी हैं जो कि एक दूसरे के साथ अंतर संबंध बनाए हुए हैं। जय हिंद।